सो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8:45। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेनपत, बट मूव ऐसा हुआ है क्योंकि जीत का बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा। सो हम लोगों ने बहुत ट्राई किया बट वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा। टर्मिनल में कुछ शायद पानी वानी चला गया होगा, देखे भी टर्मिनल ओपन किए कुछ भी नहीं हो रहा। तो अभी उस गाड़ी को एक ट्रक में लेके अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में चलेंगे KTM सर्विस सेंटर, फिर वहाँ से रिपेयर करके आगे निकलते हैं। उसके पहले तो कुछ हो नहीं सकता, तो अभी प्लान्स थोड़ा उल्टा सीधा हो जाएगा। तो पहले बाइक रिपेयर करेंगे फिर आगे का सोचेंगे। चलिए निकलते हैं थोड़ी देर में जैसे ही पिकअप ट्रक आ जाए। ये कुछ ऐसा हुआ था कि गाड़ी का विदाउट की, मतलब देखिए की लगा हुआ नहीं है फिर भी पूरा ऑन है, मतलब जैसे की लगा के ऑन होता है गाड़ी, ये देखिए। और जैसे ही मैं मतलब सेल्फ स्विच दबा रहा हूँ, दबाने से ही स्क्रीन पूरा रिस्टार्ट होके रेडी टू रेस KTM वो आ जा रहा है। तो ये बाइक लेके कल साइट सीइंग पे भी नहीं गए थे, आप लोग ऑलरेडी देखे हैं ये चीज़ वीडियो में कि मेरे बाइक पे ही गए थे। तो अभी ऐसा हुआ है बाइक को, सिर्फ एक रात ये भीगा है, सो दिट इज़ वेरी डिसअपॉइंट। तो जैसा कि बताया था कुछ कर नहीं सके, बाइक को टो करके ले जाना पड़ेगा अंबिकापुर KTM तक। देखते हैं क्या हुआ है, फिर वहाँ पे जाके कुछ सोल्यूशन होता है क्या। बस चलिए फिर। तो अभी स्टार्ट दे दिए हैं, हम दोनों जा रहे हैं बाइक पे। ये सामने देखिए टो करके ले इसको, और अभी तो 1 घंटा 8 मिनट बता रहा है। तो फाइनली जर्नी सर्विस स्टार्ट करने में ही 10:30 बज गया। 8 बजे से कॉल कर रहा था, टो आ ही नहीं रहा था, बट थैंकफुली आ ही गया है। सब कुछ सही है, वेदर बट कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा मन तो खराब होता ही है, बाइक को ऐसा हो गया। चलिए अब एक ही लक्ष्य है, जल्द से जल्द अंबिकापुर पहुंचेंगे, उसको रिपेयर करके। मेरा बाइक में भी थोड़ा वो इंजन ऑयल का कम हो गया है, शायद 1-2 बार इंडिकेटर आया था, वो देख के फिर थोड़ा टॉप अप कर नीड है, तो देन रांची के लिए निकलेंगे। चलिए बने रहिए राइड में हम लोगों के साथ, अब लोग अपडेट देता रहूँगा। तो अभी 12 बज रहे हैं, पहुंच गए हैं अंबिकापुर KTM में। अब चलिए देखते हैं सर्विस कैसे होता है, कब तक गाड़ी रेडी होता है। ओके फिर निकलेंगे, और कुछ कर नहीं सकते, सो लेट्स गो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, अभी भी अंबिकापुर में ही है, पीछे आप देख सकते हो सर्विस सेंटर। तो वही हुआ कि रिपेयर नहीं हो पाया, ECU ख़राब हो गया है पानी जाके। तो अभी ECU यहाँ पे लाना, पटना से द नियरेस्ट है पटना पे, तो वहाँ से तो ला नहीं सकते, मतलब उतना श्योरिटी नहीं है कि कल आएगा या नहीं। तो फिलहाल ये लोग लाइक ECU को बाईपास नहीं, शायद डायरेक्ट कर दिए हैं कि हम लोगों को ऐसे ही हम कोलकाता चले जाएंगे, जाके फिर वहाँ पे सर्विस सेंटर में डाल देंगे। यहाँ पे रुकने का और कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शायद मंडे ट्यूसडे तक हो जाए, ECU मिले या ना मिले कोई श्योरिटी नहीं है। तो बस यही है आज के लिए, अभी बस यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूरी में ही कुछ होटल ढूंढ लूँगा, फिर चलिए आप लोगों से होटल जाके फ्रेश होके फिर बात होता है। तो आज का व्लॉग शायद बहुत ही नेगेटिविटी से भरा रहा, क्योंकि मन ख़राब होता है ऐसे अगर घूमने आने से ऐसे अचानक बाइक ख़राब हो जाए तो कोई बात नहीं, लेट्स एंड इट ऑन ए पॉजिटिव नोट। तो बहुत कुछ सीखें, क्या क्या सीखें, क्या क्या हुआ है डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। तो पहले भी होटल जाते हैं, फिर वहाँ पे बैठ के बात होगा। टाटा। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:10, बाइक्स जैसा कि बताया रेडी हो गया है, डायरेक्ट करके जा रहे हैं। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इनके सामने थोड़ा फोटो वोटो खींच के फिर निकलेंगे, सो थैंक्स टू अंबिकापुर KTM, ताकि थोड़ा बहुत तो सही हो गया बाइक, घर तो पहुँच ही जाएंगे। तो चलिए लेट्स गो। तो ये पेट्रोल पंप मिला जहाँ पे XP95 मिलता है अंबिकापुर में, तो आप लोग कभी आइए तो ज़रूर देखिएगा ये पेट्रोल पंप। भैया लोकेशन का, जगह के नाम क्या है?
चांदनी चौक अंबिकापुर। तो ये भैया भी उनको भी बोले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो फिर से आके कोलकाता से पकड़ के लेके जाएंगे भैया को। बिल्कुल, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, अभी होटल जाएंगे फिर आगे का बात करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए यहीं पे रुके हैं, होटल एवलॉन इन। चलिए, अंडरग्राउंड पार्किंग भी है बढ़िया, वहाँ पे बाइक रख देते हैं। तो ये लॉबी है इनका, यहाँ पे आ गए हैं, चेक इन कर रहे हैं। तो प्राइस एंड ऑल, लिंक कैसे बुक करना है, डिटेल सब बाद में बता दूंगा, पहले एग्जॉस्टेड हो गए हैं, रूम चलते हैं, देन बात होगा। तो ये है लॉबी, रूम नंबर 310। ये देखिए, ये रूम है इनका, 1800 रुपये का कुछ चार्जेस पड़ा है। गोआई बीबो से करते तो भी वही लगता, बट हम लोग किए नहीं, इनको बताया कि 1800 पड़ रहा है तो वो लोग उसी में मान गए। तो ये रूम है, देखिए दोनों अलग बेड्स हैं, एसी भी सेंट्रलाइज्ड है एकदम, सब कुछ बढ़िया, बाथरूम भी ऐसा है प्रॉपर, हर एक सामान दिया हुआ है। तो चलिए अभी फ्रेश होएंगे, फ्रेश होके फिर खाना खाएंगे, तब आप लोगों से बात होगा। बाय बाय। ये बाहर थोड़ा ऐसे ही टहलने निकले थे फ्रेश होके, तो ये स्ट्रीट साइड एक स्टॉल में ही बन रहा था, जैसे सारे बादाम चना बस ये तल के दे रहे थे। तो बाहर से तो थोड़ा बहुत स्नैक्स खा के ही आए थे, भेल पूरी ये सब, और यहाँ पे जैसे बटर तंदूरी रोटी एंड मुर्ग लखनऊ लबाबदार ऐसा कुछ था। तो चलिए लेट्स ईट एंड देन गो टू स्लीप। तो बज रहे हैं रात के 10:27 अराउंड 10:30, तभी सो जाएंगे, कल सुबह एकदम जल्दी निकलना है, क्योंकि वो बाइक में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ही, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके घर पहुंचना है। तो अराउंड 12-13 घंटे का रास्ता है एंड 700 किलोमीटर्स के आसपास, एग्जैक्ट कल बता देंगे। तो बस अभी ठीक है, जो हो गया, कुछ कर नहीं सकते, कोलकाता जाके रिपेयर करना होगा। ईसीयू तो बताया ही था, जो फेलियर है वो शायद ख़राब है, वहाँ से फिर से चेकिंग होगा। तो कोई नहीं, आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। तो होपफुली आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वैसे तो आज कुछ खास दिखा नहीं पाया ड्यू टू द प्रॉब्लम। तो ठीक है, राइड में तो ऐसा हो ही सकता है। तो अगेन कल बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और राइड होगा, कल कोशिश करेंगे ड्रोन उड़ाने का, क्योंकि पिछला दिन तो कभी हुआ नहीं बारिश की वजह से। तो चलिए कल मिलते हैं, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड गुड नाइट फॉर द टुडे।